दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इसका पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग में आपको बहुत ही मेजर एक चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल एमआई बैंड होता है या फिर एमआई का दूसरा जो प्रोडक्ट होता है उसका आपको पैकेजिंग दिखेगा वो है ऑरेंज या व्हाइट, ऑरेंज और व्हाइट कलर में। लेकिन ये जो है दोस्तों जो अलग अलग देशों में जैसे लॉन्च होता है वैसे ही आपको यहाँ पे दिया गया है ये ब्लैक कलर में, और यहाँ पे तरह 3D इफेक्ट में 6 लिख के यहाँ पे आपको जो बॉक्स देखने को मिल रहा है। अभी देख लेते हैं दोस्तों इसके ऊपर आपको क्या क्या मेंशन किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले इसमें जो है आपको 1.56 इंच का एमोलेड कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो MMN 5 से 50% बड़ा है। इसके ऊपर आपको इसका जो मेजर हाईलाइट है SPO2। हाँ दोस्तों, इसमें आपको SPO2 मेजरिंग देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 30 वर्कआउट मोड्स देखने को मिल जाता है, ये आपको 50 मीटर्स तक स्विम स्ट्रोक देखने को मिल जाता है, और तो और इसमें आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग फॉर वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोस्तों बात कर लेते हैं इसका प्राइस MRP के बारे में, जो है 3999, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है Amazon या Flipkart में उसमें आपको 3499 देखने को मिलता है। और अगर क्योंकि अभी सेल चल रहा है तो इसमें आपको ये 3200 टू 3300 में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों भी इस पैकेजिंग को खोल लेता देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम लोग जब पैकेजिंग खोल रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर का नॉर्मल ट्रे ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग खोलेंगे तो ऊपर में जो बैंड है वो सिंपली रखा हुआ है। और दोस्तों साइड में इसका चार्जिंग केबल के लिए एक कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ है, जिससे चार्जिंग केबल रखा हुआ है, और नीचे की तरफ इसका जो मैनुअल्स है वो सब रखा हुआ है। तो अभी ये पुस्तक उस्तक पढ़ेंगे नहीं, हम लोग रखेंगे इन सबको साइड में और देख लेते हैं मेन हम लोग का जो बैंड है वो आपको कैसा देखें। दोस्तों ये है उसका चार्जर, चार्जर को भी हम लोग रखेंगे साइड में। ये आपको एक नॉर्मल मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिलता है, जो नॉर्मली आपका जो बैंड के पीछे है वो ऐसे लग जाता है, जो पावरफुल है, क्योंकि आप अगर ऐसे ऐसे करके रख देंगे तो ये गिरेगा नहीं। दोस्तों अभी इसको कर लेते हैं पेयर अपने फोन के साथ। तो इसको पेयर करना बहुत ही आसान है, आपको बस अपने फोन में MiFit ऐप इंस्टॉल करना है और ब्लूटूथ ऑन करना है और बैंड को बगल में रख के पेयर करना है, एज इजी एज दैट। तो उसके बाद हम लोग पेयर करने के बाद इसमें आपको जो मेजर चेंजेस है MMN 5 से उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग पहन लेते हैं अपने हाथ में। और तो और दोस्तों इसका जो स्ट्रैप का क्वालिटी है वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, जो रबर है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और इजिली डिटैचेबल भी है जो मेन MMN बैंड है उससे। तो दोस्तों डायल साइज है बैंड का वो नॉर्मल MMN 4 MMN 5 जैसा ही है, बस इसका जो स्क्रीन का साइज है वो बढ़ा के फुल स्क्रीन कर दिया गया है। लेकिन तभी भी नीचे जो आपका चीन है थोड़ा मोटा सा चीन देखने को मिलता है, और आपका साइड का जो बॉर्डर्स है, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है तो आपको समझ में नहीं आता आप अगर कोई ब्लैक वॉल पेपर रख रहे हैं, लेकिन आप अगर कोई दूसरा कलर का वॉल पेपर रख रहे हैं तो साइड में आपको थोड़ा सा बॉर्डर दिखता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें आपको जो मेजर चेंजेस देखने को मिलता है वो है SPO2। हाँ दोस्तों, इसमें आपको SPO2 सेंसर देखने को मिलता है, जो MI क्लेम करता है कि ये पूरा एक्यूरेट नहीं देगा मेडिकल इक्विपमेंट्स के जैसे, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों और तो और इसमें आपको 30 वर्कआउट मोड्स देखने को मिल जाता है, जो उतना सारा मतलब जो मेनली है वो कुछ रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग ये सब इंपॉर्टेंट है, स्कीपिंग, वर्किंग आउट, फ्री स्टाइल ये सब इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा जो है आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे डांस हो गया, फिर स्ट्रीट डांस अलग है, फिर जाम्बा अलग है, मतलब बहुत ही बेकार बेकार अलग अलग बहुत सारा वर्कआउट मोड दिया हुआ है जो आपको नहीं चाहिए। दोस्तों उसके बाद इसमें आपको जो स्लीप ट्रैकिंग मॉनिटर देखने को मिल जाता है, जो कुछ दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, हाँ दोस्तों एक्यूरेट बताता है। और तो और दोस्तों इसमें आपको जो वर्कआउट हिस्ट्री भी आप इसमें सेव करके रख सकते हैं कि आप कब कैसा वर्कआउट किए थे, आपका कितना कैलोरी बर्न हुआ था, सब इसमें सेव होकर रहेगा। दोस्तों इसमें आपको स्ट्रेस मेजरिंग देखने को मिल जाता है, जो आप अगर आपका कितना स्ट्रेस लेवल है वो आपको देख के बता देगा। इसमें आपको अपना ब्रीदिंग सही करने के लिए कुछ ब्रीदिंग वाला भी एक फीचर देके रखा है। आपको इसमें इवेंट मैनेजर देखने को मिल जाता है, अलार्म देखने को मिल जाता है, वेदर, म्यूजिक, वर्ल्ड क्लॉक, सेटिंग्स, मोर, बस। अब सेटिंग्स के अंदर आप अगर आप जा रहे हैं तो इसमें आपको बैंड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है,
तो इसमें आप तीन जो डिफॉल्ट बैंड डिस्प्ले है वो इसमें आपको पहले से प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, और अनलाइक अदर बैंड इसमें आप और भी 3 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं बहुत इजीली, जो बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप अगर बाहर आउटडोर में है तो भी आपका जो ब्राइटनेस है मोर देन इनफ है, आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं इसका। इसमें दोस्तों आप सेटिंग्स में अलग अलग सब सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें मोड में आप इसमें फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर अंधेरे में हैं तो आप मतलब ये अपना वाइट स्क्रीन जला के पूरा एकदम ब्राइटनेस फुल कर देता है, तो हाँ दोस्तों ऑलमोस्ट एक फ्लैश जैसा काम करता है थोड़ा सा। दोस्तों ये फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, अगर आपका फोन आपके बैंड के साथ कनेक्टेड है तो आप अपने फोन को आराम से कहीं से भी, मतलब घर के कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही अच्छा वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप इसको स्विमिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें ऐसे लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर कि इसमें आपको 50 मीटर्स तक का स्विमिंग स्ट्रोक का जो मेजरिंग है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले में इसमें आपको एक फुल स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो बैटरी है वो दोस्तों 125 mAh ही है, जैसे MN5 में। तो आप सोच ही पा रहे हैं क्योंकि इसमें SPO2 ऐड हो चुका है, वह उसके ऊपर स्क्रीन जो है बड़ा हो चुका है, तो जो बैटरी लाइफ है दोस्तों उसमें आपको थोड़ा तो रिडक्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा बैटरी लाइफ घट चुका है दोस्तों। ऑल्दो दोस्तों MI क्लेम करते हैं कि ये 10-14 डेज काम करेगा, लेकिन दोस्तों आप अगर वर्किंग वर्कआउट कर रहे हैं हर वक्त, आप 24/7 आपका हार्ट रेट मेजर हो रहा है, तो आपका ये 1 वीक तक चलेगा, 1 वीक टू मैक्स 8 डेज चलेगा। और दोस्तों मैं बोलूँ तो ये इनफ है, चार्जिंग करने में इसका ज्यादा टाइम लगता नहीं, तो हाँ ये ठीक है। अगर MI बैटरी इसका इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इसका डिस्प्ले भी बड़ा किया है, तो अगर बैटरी इंक्रीज करता है तो हाँ बहुत अच्छी बात होगा। दोस्तों अगर बात करते हैं इसका स्ट्रैप के बारे में, तो स्ट्रैप अगर आपके पास MI Band 4 का या 5 का अगर अलग अलग स्ट्रैप है तो आपको इसके लिए अलग कोई स्ट्रैप खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका डायल साइज सेम है, आप आराम से 5 या 4 का जो स्ट्रैप है इसमें इस्तेमाल कर सकते, तो स्ट्रैप अलग से खरीदना नहीं है। दोस्तों और एक बात बताऊं कि इसका जो कॉलिंग फीचर्स है, उस कॉलिंग फीचर उसमें आपका एक नया चीज ऐड हो चुका है, जो है आप अगर किसी को इमरजेंसी मैसेज भेजना चाहते हैं, जो प्री कस्टमाइज्ड मैसेज आप इसमें सेव करके रख सकते हैं, कोई कॉल कर रहा है तो आप उसको इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं। क्या आपको 1000 रुपए ज्यादा देना चाहिए इसके लिए? मैं बोलूंगा दोस्तों ये आपके नीड्स के ऊपर है, क्योंकि इसमें आपको SPO2 देखने को मिलता है, इसका जो स्क्रीन है वो बड़ा देखने को मिलता है, इसमें आपको और भी फीचर्स जो है बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलता है। तो मैं बोलूंगा हाँ दोस्तों ये आपका जो 1000 रुपए आप इसके लिए ज्यादा दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगे वो आप कमेंट में बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसा वीडियो और भी चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। टिल देन